वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल गुरविंदर होम पर। दोस्तों जितना खूबसूरत आज का घर सामने से है उतना ही खूबसूरत ये साइड से भी है, क्योंकि आज का घर जो है बिल्कुल कॉर्नर रहने वाला है। एक खूबसूरत डिज़ाइन जो बिल्कुल मॉडर्न लुक्स के हिसाब से डिज़ाइन किया गया। इसके अलावा ये बिल्कुल आपको रोड के साथ मिलने वाला है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं या फिर एक बिजनेसमैन हैं तो आपको घर जो है बिल्कुल रेजिडेंशियल के साथ एक कमर्शियल लोकेशन के ऊपर मिलने वाला है। खुला एरिया और एक अच्छी लोकेशन, बिल्कुल ऐसा ही घर रहेगा आपका। तो दोस्तों शुरुआत इसकी साइड से ही करते हैं जहाँ पर एक अच्छी लुक आपको मिल जाती है। टाइल्स का काफ़ी अच्छा खासा कॉम्बिनेशन आपको मिलता है। इसके अलावा जो लैंप्स हैं उनका भी बहुत अच्छा यूज़ मिलने वाला है। साइड पे आप ग्रिलिंग वर्क आपको मिलेगा, और इसके अलावा आप देखेंगे एक बड़ी सी विंडो है जो आपकी साइड पर आती है, जहाँ से आपकी स्टेयर जो आपको ऊपर लेके जाती है, वो जो लुक है वो आपको यहाँ पर पूरी मिलती है। और यहाँ से आपको नज़ारा आने वाला है आपकी बिल्कुल इस रोड का। और एक बड़ी अच्छी बात है कि आपके पास एक बैक डोर एंट्री भी है, तो अगर आपके पास गाड़ियां ज़्यादा हैं तो आप यहां से भी अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। सीधा दो गाड़ियां आपकी यहां पर लग जाएंगी। तो दोस्तों सिंपली एरिया पॉश नहीं है यहां पर, हर चीज़ आपको यहां बिल्कुल अप टू लेवल मिलने वाली है। तो जो घर अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल 37 का जो इसका फ्रंट रहने वाला है और 312 गज का घर रहेगा आपका, ये खुला डुला एक अच्छी स्पेस के साथ डबल स्टोरी है। और देख सकते हैं आप सामने की तरफ जो रैंप एरिया काफ़ी अच्छा खासा है, इसके साथ आपको आयरन गेट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। प्लस ऊपर की तरफ जब हम नज़र घुमाते हैं तो आपको ग्लास वर्क यहाँ पर मिलने वाला आपके बालकनी के अंदर। प्लस ऊपर जो रूफ़ है या सॉरी सीलिंग है ऊपर या इस तरफ जो आपको दोनों तरफ जो है वुडन डिज़ाइन आपको मिलने वाला है HLP शीट के साथ। और यहाँ पर एक अलग डिज़ाइन आपको साइड पर मिल जाता है। गेट के ऊपर दोनों लैंप लगे हुए हैं, एक अच्छी स्पेस जो हमें यहीं से समझ आ रही है पूरे घर के अंदर हमें मिलने वाली है। पार्किंग काफ़ी अच्छी खासी है, डिज़ाइन आप देख सकते हैं बिल्कुल ग्रेनाइट के ऊपर डाला हुआ है। कॉर्नर विंडो बिल्कुल टफन के साथ, इस तरफ हमारा ग्रीन एरिया भी मिल जाएगा और प्लस आपके टू व्हीलर्स के लिए भी पार्किंग मिल जाएगी अगर आपको चाहिए। तो दोस्तों अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं तो आपकी प्रोफाइल को ये बिल्कुल सूट करता है। चाहे आप डॉक्टर हैं, आपको साइड से एक हॉस्पिटल चाहिए जो बिल्कुल रोड के पास हो, या फिर एक लॉयर हैं, तो हर तरह के बंदे को ये घर जो है बिल्कुल सूट करने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी एंट्रेंस रहेगी जो कि वाइट डोर है यहाँ पर, और इसके साथ एक डोर आपको और मिल जाएगा जहाँ से आप सर्वेंट के लिए सेपरेट एंट्री आपको मिल जाएगी, ताकि सर्वेंट आपके घर के अंदर से हर जगह ना घूमे। चलिए अंदर की तरफ। तो यहाँ पर है हमारा ड्राइंग एरिया, एक खूबसूरत ड्राइंग एरिया, एक अच्छी स्पेस, प्रॉपर आपको जो है टाइल वर्क यहाँ पर मिलने वाला है। सीलिंग पर एक अच्छा डिज़ाइन मिलेगा, कॉर्नर विंडो जो कि टफन ग्लास के साथ आपको मिल जाती है। इसके बाद हम बढ़ते हैं बिल्कुल अपनी लॉबी की तरफ जो कि काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी बड़ी भी है। आप देखिए एक तरफ आपको जो है बड़ा सा आपको TV पैनल मिल जाएगा जो कि डीको पेंट के साथ डिज़ाइन किया गया और काफ़ी बड़ा भी है, और स्टोरेज के साथ आपको यहाँ पर मिल जाता है। सीलिंग पर का किया गया काम वाकई काफ़ी खूबसूरत है, इसको बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस के साथ नहीं बनाया गया लेकिन एक अच्छी क्वालिटी और एक अच्छा वे जो आपकी प्रोफाइल को सूट करे बिल्कुल वैसे ही डिज़ाइन किया गया है। और ठीक आपकी लॉबी के इस तरफ आपको जो स्टेयर्स हैं वो मिल जाती हैं जो कि साइड की तरफ आती हैं, और यहाँ पर वही विंडो आती है जिसे हम बाहर से देख रहे थे, जहाँ से आप इस चलती हुई लाइव ट्रैफिक का हर रोज़ मज़ा ले सकते हैं। घर को बिल्कुल वास्तु डिज़ाइन से यहाँ पर डिज़ाइन किया, आप देखिए सामने से भी लाइट आती है और पीछे से भी आती है। लाइट और वेंटिलेशन का पूरा यहाँ पर ध्यान आपका रखा गया ताकि आपको हर तरफ से लाइट भी आए और आप इस घर को बिल्कुल इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। और यहाँ पर हमारा डाइनिंग एरिया आ जाता है जो कि काफ़ी अच्छी खासी स्पेस के साथ है, बड़ी सी विंडो आपको मिलेगी, सीलिंग पर एक अच्छा डिज़ाइन मिलेगा, और यहाँ लगभग अराउंड 12 लोग अगर टेबल लगाकर बैठते हैं तो ये 12 सीटर अगर आप रखना चाहते हैं तो भी बड़े आराम से आपका डाइनिंग टेबल यहाँ पर लग जाएगा। डाइनिंग एरिया के साथ ही आपको एक बड़ी सी विंडो मिलेगी जिसके साथ एक दरवाज़ा है जो हमें ले जाता है हमारे बैकयार्ड की तरफ, और ये बैकयार्ड हमारी वही स्पेस है जहाँ पर हमारी गेट है, हमारी सेकेंड एंट्रेंस है, यहाँ से भी हम अपनी गाड़ियाँ दो यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके अलावा वॉशिंग और क्लोथिंग है दोनों बहुत आराम से हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों वापस अपने डाइनिंग एरिया से हम घूमते हैं अपनी किचन की तरफ। तो किचन हमारे पास काफ़ी अच्छी और काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ हमें मिलने वाली है, काफ़ी बड़ा साइज़ भी आपको मिलेगा और देख सकते हैं यू शेप में आपको मिलने वाली। तो सबसे पहले जगह जो आपके फ्रिज के लिए यहाँ पर पूरी रखी है, उसके बाद एक पेंट्री यूनिट आएगा जहाँ पर आपके पास जो है स्पेस काफ़ी अच्छी खासी मिलने वाली है स्टोरेज की,
और यहाँ पर आपके पास जगह रहेगी जहाँ आप अपना माइक्रोवेव ओटीजी दोनों रख सकते हैं। उसके बाद एक बड़ा सा काउंटर आपको यहाँ पर नज़र आएगा जो कि बिल्कुल यू शेप बना देता है। एक तरफ आपकी विंडो भी है ताकि आपकी लाइट जो है बिल्कुल बैटरी एरिया के ऊपर पड़े। उसके अलावा आपके पास जो कैबिनेट्स हैं यहाँ पर हर तरह के डिज़ाइन के साथ मिलने वाले हैं। बिल्कुल लाइट शेड्स यहाँ पर रखे गए हैं, बीच में आपको ग्लास वर्क भी मिलने वाला है, बीच में स्पेस आपको मिल जाएगी आपकी चिमनी के लिए और यहाँ पर आपका जो है चूल्हा यहाँ पर लग जाएगा। प्रॉपर आपको ड्रॉर्स जो है वो सारी जगह मिलने वाले हैं। कॉर्नर्स को भी बड़े अच्छे वे से यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। प्रॉपर एक ब्रांड के साथ आपको सारे ड्रॉर्स मिलने वाले हैं। अभी ड्रॉर्स को डिज़ाइन करते इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा है कि वहाँ पर स्पेस जो है वो पूरी यूटिलाइज हो। हर साइज़ के ड्रॉर्स आपको मिलेंगे और सारे के सारे सॉफ्ट क्लोजर्स के साथ रहने वाले हैं। तो एक फुली डुली किचन जिसके अंदर एक अच्छा डिज़ाइन हमें मिलता है, अच्छी लाइटिंग है, हर तरफ से लाइट आपके घर के अंदर पूरी तरह से आती है। पढ़ते हैं हम अपने घर के फर्स्ट बेडरूम की तरफ। सारी जगह हमें जो है फ्रंट डोर यहाँ पर देखने में मिलेंगे जो कि पॉलिश किए हुए हैं और 8-8 फीट के साइज़ के साथ आपको मिलेंगे, जिनके ऊपर टीक प्लाई लगी हुई है। इसके अलावा जो रूम साइज़ हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं वो काफ़ी अच्छे खासे हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी स्पेस हमें मिल जाती है। इसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि घर में अभी काम पूरा नहीं हुआ, तो थोड़ा बहुत अच्छा सामान आपको मिलेगा। एक अच्छा डिज़ाइन आपको रूफ के ऊपर मिल जाएगा, सॉरी सीलिंग के ऊपर, जहाँ पर आपके स्ट्रिप लाइट्स भी हैं, कंसील लैंप्स भी हैं और थीम लैंप्स भी हैं। और स्पेस इतनी अच्छी है कि एक बड़ी अलमीरा लगाने के बाद आपके पास जो जगह है वो बहुत बढ़िया बच जाती है। और जैसे ही आप अपनी वार्डरोब को ओपन करते हैं तो ये लाइट्स जो हैं वो अपने आप ऑन हो जाती हैं और इस वार्डरोब की लुक्स को और बढ़ा देती हैं। इसके साथ ही आपके पास स्टोरेज जो है यहाँ पर वो बहुत अच्छी मिल जाती है। हर तरह के सामान के लिए यहाँ पर अलग से स्टोरेज आपको मिलने वाली है। स्टोरेज के बाद मैं इस तरह घूमता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक बड़ी सी खिड़की आपको मिलेगी जो पूरी लाइट आपके घर के अंदर देने वाली है, आपके रूम के अंदर। तो दोस्तों स्टोरेज जो हमने बेडरूम के अलावा आपके ड्रेसिंग एरिया में भी यहाँ पर पूरी दी है जो कि सीलिंग की हाइट तक आपको मिल जाती है। प्लस इसके साथ दूसरी तरफ जो है आपको ड्रेसिंग पूरी प्रॉपर मिलेगी जहाँ पर एक बड़ा सा लुकिंग मिरर आपको मिलेगा, प्लस इसके साथ नीचे स्टोरेज आपको फिर से मिलने वाली है जो कि एकदम शानदार लुक्स के साथ आपको मिलती है। और ठीक आपके ड्रेसिंग एरिया के साथ ही आपको जो है यहाँ वॉशरूम भी मिल जाता है जो कि काफ़ी बड़े साइज़ के अंदर है। प्रॉपर इसे ड्राई और वेट कॉन्सेप्ट के साथ डिज़ाइन किया गया और सीलिंग की हाइट तक आपको जो है यहाँ पर टाइल वर्क मिलने वाला है। बड़े से काउंटर के ऊपर एक शानदार सिंक आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही पूरी प्रॉपर कंप्लीट वैरायटी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक इस तरफ जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस आपको पूरी प्रॉपर मिलेगी और यहाँ पर रेन शॉवर आपको पूरा मिलेगा जो कि बिल्कुल खिड़की के साथ है, जो कि आपको सारी ज़्यादा देर तक आपके बाथरूम को गीला नहीं रहने देगी। तो दोस्तों इस वॉशरूम से होते हुए वापस बाहर निकलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ जो हमारा गेस्ट बेडरूम रहेगा। तो गेस्ट बेडरूम में एंटर करते करते आपके सामने जो सबसे पहले आता है एक लुकिंग मिरर, सबसे बड़ा साइज़ का जो कि बिल्कुल सीलिंग को टच कर रहा है। एक अच्छा डिज़ाइन में आपको जो है यहाँ पर पैटर्न मिल जाएगा वुडन, प्लस स्टोरेज आपके सामने यहाँ पर आपको मिल जाती है। और इसके साथ आपका वॉशरूम जहाँ पर अगेन आपकी सीलिंग तक की हाइट तक आपको टाइल मिलेंगी, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस आपको पूरी मिलने वाली है और जैगवार की तरफ से एक शानदार सिंक जो एक काउंटर के ऊपर मिलेगा जो हमें बिल्कुल प्रीमियम लुक देता है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं अपने गेस्ट बेडरूम की तरफ। आप देखिए सीलिंग पर काफ़ी अच्छा खासा डिज़ाइन हमें मिलेगा, एक बड़ी सी विंडो हमें मिल जाती है। उसके अलावा एक पूरी प्रॉपर सीलिंग की हाइट तक हमारी वार्डरोब रहेगी। काफ़ी अच्छे खासे हर तरफ आपको जो है रूम्स के साइजेस यहाँ पर मिलने वाले हैं। सबसे अच्छी बात है कि आपको हर तरह से जो है बाहर का व्यू बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर नज़र आने वाला है। तो अगेन जब आप इस वार्डरोब को ओपन करते हैं तो आपके सामने एक लाइट आ जाती है जो इस वार्डरोब की और आपके बेडरूम के लुक्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। काफ़ी अच्छी खासी स्टोरेज जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है जहाँ पर हम अपने हर तरह के जो कपड़े हैं वो रख सकते हैं, चाहे वो गर्मियों के हो या सर्दियों के हो, तो सारी चीज़ें आपके इस वार्डरोब में आने वाली। तो यहाँ से बढ़ते हैं अपनी स्टेयर्स की तरफ जो कि वुडन डिज़ाइन के साथ आपको मिलती है, टाइल मार्बल और ग्लास फिनिश, और इसके साथ ही एक अच्छी लुक जो आपको यहाँ से बाहर की तरफ मिलती है। और यहीं पर हमारी लॉबी आ जाती है जो कि 20 फीट की एक अच्छी मिलने वाली है, बाहर का नज़ारा पूरा रहने वाला है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि फैमिली यहाँ पर पूरा इंजॉय करेगी, एक साथ पूरी फैमिली यहाँ पर बैठ सकती है, काफ़ी अच्छी खासी स्पेस हमें मिल जाती है। और जब हम सीलिंग की तरफ देखते हैं वहाँ पर भी एक अच्छा डिज़ाइन आपको यहाँ पूरा का पूरा मिलने वाला है पूरे फैमिली लॉन्च के अंदर। और इसी फैमिली लॉन्च के साथ आपको एक दरवाज़ा मिलता है जो आपको ले जाता है आपके बाहर की तरफ जहाँ पर आपकी स्टेयर्स हैं आपके सर्वेंट के लिए, जो ऊपर ले जाती हैं आपको सर्वेंट क्वार्टर की तरफ। इसी फैमिली लॉन्च के साथ आपको जो है यहाँ पर एक पूजा रूम की स्पेस भी पूरी प्रॉपर मिलने वाली है।
तो आपके पेंट्री में भी पूरी तरह की स्पेस आपको मिलेगी, स्टोरेज आपको मिलेगी, काफ़ी कुछ यहाँ पर आप कर सकते हैं। टीवी देखते देखते हर तरह का मज़ा आप यहाँ पर ले सकते हैं, जिसके साथ एक खिड़की है और एक दरवाज़ा जो हमें ले जाता है हमारी बालकनी की तरफ। बालकनी में हमें जो है टफन ग्लास मिलता है जो हमारी रेलिंग को और खूबसूरत कर जाता है, और प्लस एक बड़ी सी स्पेस है जिसका पूरा मज़ा आप लेने वाले हैं। मॉर्निंग्स और इवनिंग्स में अगर आप यहाँ पर टेबल चेयर लगाकर बैठते हैं तो एक खूबसूरत नज़ारा आपके बिल्कुल घर के सामने होगा, गार्डन व्यू। और इसके अलावा ये आपके घर का फ्रंट जिसे हम बाहर से देख रहे थे, जहाँ पर एक अच्छा खासा टाइल वर्क मिलता है, बड़ी सी विंडोज़ आपको मिलती हैं, रफ़ टाइल्स हैं, और सीलिंग पर एक अच्छा डिज़ाइन मिलेगा जो PHLP शीट्स के साथ है। प्लस यहाँ पर आपको जो है कंसील लैंप्स मिलते हैं जो रात को इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। और यहीं से हमारी स्टेयर्स हैं जो हमें ले जाती है हमारे सर्वेंट क्वार्टर की तरफ या हमारी रूफ की तरफ। तो इससे पहले हम अंदर का सारा देख लेते हैं, फिर हम वापस बाहर की तरफ आते हैं। दोस्तों, फैमिली लॉन्च में हमारे पास तीन बेडरूम रहेंगे। सबसे पहले हम इस बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं। जहाँ एंटर करते ही ऊपर लैंप्स आपको नज़र आएंगे और इस तरफ आपका बड़ा सा ड्रेसिंग आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा और आगे आते ही आपका जो है वॉशरूम पूरा प्रॉपर मिल जाएगा। काफ़ी अच्छे खासे साइजेज हैं जितने भी वॉशरूम्स आपको यहाँ मिलने वाले हैं। प्रॉपर एक वैनिटी जिसके साथ एक पूरा बड़ा सा सिंक, और सिंक के साथ आपको जो है पूरा प्रॉपर एक काउंटर। कंप्लीट वॉशरूम डिज़ाइन हमें हर जगह मिलते हैं। ठीक इसके बाद हमारा बेडरूम आ जाता है, जो हमने नीचे वाला डिज़ाइन देखा तकरीबन साइज़ वैसा ही रहने वाला है, और एक अच्छी स्टोरेज और एक अच्छा रूम साइज़ के साथ आपको यहाँ पर हर बेडरूम मिलने वाला है। प्लस एक अच्छी लुक्स आपको हर रूम से बाहर की आने वाली है। तो वापस यहाँ से निकलते हैं हम अपने सेकंड बेडरूम की तरफ जो हमारे फर्स्ट फ्लोर पे है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो है काफ़ी अच्छी खासी स्पेस हमें मिल जाएगी, जिसके सामने हमारा वॉशिंग एरिया आ जाता है, सॉरी वॉशरूम, जहाँ अगेन सीलिंग तक की हाइट तक आपको टाइल वर्क मिलने वाला है और ड्यूल टोन आपको लुक्स यहाँ पर मिलेगी, और प्रीमियम क्वालिटी आपको पूरे घर के अंदर हर जगह हर तरफ देखने में मिलने वाली है। कुछ चीज़ों के अंदर हमें सिंपली लुक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक अच्छी ब्रांड यहाँ पर हम लगा देते हैं तो अपने आप उसके लुक्स और क्वालिटी अपने आप बढ़ जाती है। दोस्तों, हर बेडरूम की एक खासियत है कि वहाँ पर एक बड़ी विंडो आपको मिलती है और हर विंडो से जो व्यू है वो आपका बेहद शानदार आपको मिलता है। एक प्रॉपर स्टोरेज आपको पूरी जगह मिलती है, एक अच्छा सीलिंग डिज़ाइन और एक अच्छा अंदाज। तो इसी के साथ जो है हमारी बालकनी हमें मिल जाएगी जो कि बिल्कुल साथ है, और यहाँ से आपकी रोड पूरी नज़र आती है। एक बड़ी बालकनी है जहाँ पे आपके पास जो है घूमने फिरने के लिए काफ़ी अच्छी खासी जगह मिल जाएगी। दोस्तों, वापस हम अब पहुँचते हैं अपने फैमिली लॉन्च की तरफ और यहाँ से बढ़ते हैं अपने घर के थर्ड बेडरूम की तरफ, या इस फर्स्ट फ्लोर के थर्ड बेडरूम की तरफ। अगेन एक शानदार बेडरूम है, एक नयाब काम जिसे कहते हैं वो पूरा आपको घर के अंदर मिलने वाला है, एक बेहतरीन लुक्स आपको जिसे कहते हैं वो हर जगह आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो अगर हमारा बिजनेस है और हमें घर की भी ज़रूरत है तो ये घर हमारे लिए हर तरह से फिट बैठता है। एक पॉश एरिया, डेवलप एरिया और एक शानदार घर, तीनों चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। हर बेडरूम के साथ आपको जो है एक लुकिंग मिरर बड़ा सा मिलेगा जो कि सीलिंग की हाइट तक है तकरीबन, और एक अच्छी स्टोरेज आपको हर जगह देखने को यहाँ पर मिलती है, ताकि आपका कैसा भी सामान हो वो हमेशा ड्रॉस के अंदर रहे या कवर्ड रहे। हर बेडरूम के साथ आपके पास एक वॉशरूम है जिसकी वाकई काफ़ी अच्छी खासी स्पेस हमें मिल जाती है। बड़े बड़े वॉशरूम्स हैं, लुक्स अच्छी हैं, एक प्रीमियम लुक हमें देता है और एक प्रीमियम क्वालिटी हमें यहाँ पर हर जगह देखने को मिलती है। ये घर हर तरह से अपनी प्राइस को पूरा जस्टिफाई करता है। इसकी प्राइसिंग अगर आप देखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। तो दोस्तों, वापस हम आ चुके हैं अपनी बालकनी की तरफ जहाँ से हम बढ़ने वाले हैं अपने सेवंथ रूम की तरफ। तो दोस्तों, अगर आप इस घर के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हो तो नीचे दिए नंबर पर कभी भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर इसे देखना चाहते हो। दोस्तों, इस घर की छत भी उतनी ही खूबसूरत है जितना हमने पूरे घर को नीचे से निहारा है, और एक अच्छा व्यू आपको हर तरह से हर जगह से आता है, और ये जगह आपके पार्टी के लिए सबसे बेहतर जगह रहने वाली है। तो आपको आपके अपने घर से ही यहाँ पर मॉल भी नज़र आएगा जो कि बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे रहने वाला है यहाँ से, और प्लस यहाँ पर पार्क भी आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे ही रहने वाला है। इसके अलावा आपको रूफटॉप पे आपका जो सर्वेंट क्वार्टर है वो भी मिल जाएगा,